Hello and good afternoon. I am Dr. Bhavna Sachdeva, working as a consultant gynecologist in Ludhiana and running my own private center. आज मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ प्रीटर्म बर्थ के बारे में. प्रीटर्म बर्थ इज जब एक बच्चा वक्त से पहले जन्म लेता है. बच्चा वक्त से पहले जन्म ले सकता है विच कैन बी एट एनी नंबर ऑफ वीक्स. नॉर्मली हम जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि बच्चे के जो लंग्स मैच्योर होते हैं वो 28 वीक्स की प्रेगनेंसी पे मैच्योर होते हैं. हमारी जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो एक 40 वीक्स की होती है, जिसको कि हम मानते हैं 9 महीने और एक हफ्ता. लेकिन बच्चे की लंग्स मैच्योरिटी हम मानते हैं करीब करीब 28 हफ्ते पे. अब ये 28 हफ्ते का जो वक्त है ये भी एक विच इज़ नॉट नेसेसरी. जब आप एक डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो 28 हफ्ते से कम के बच्चे भी बचा लिए जाते हैं प्री टर्म बर्थ के बावजूद भी. एक आप डेवलपिंग कंट्री में जाएंगे तो 28 हफ्ते को एक लेवल माना गया है जिसके बाद बच्चे का बचना आसान माना जाता है. बट हमारे देश में भी कुछ बड़े सेंटर्स में हम 24 हफ्ते के बच्चे को भी बचा सकते हैं. अगर आप बड़ी कंट्रीज में जाएंगे तो 20 वीक्स का बेबी भी सर्वाइव किया जा सकता है. बट हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि बच्चा जल्दी क्यों हो जाता है और उसको हम रोक कैसे सकते हैं. बच्चे के जल्दी पैदा होने के कुछ कारण हो सकते हैं जो कि मदर के भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे पे भी हो सकते हैं. अब मदर में क्या कारण हो सकते हैं? मदर में कुछ बीमारियां हो सकती हैं, मदर में कुछ मेडिकल कॉजेज, कुछ सर्जिकल कॉजेज, कुछ बच्चे के कॉजेज. बच्चे के कॉजेज तो जनरली यही रहते हैं कि बच्चे में अगर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो हम बच्चे को जल्दी निकालते हैं, अदरवाइज़ बेबीज़ को हम जल्दी नहीं निकालते हैं. मदर के कॉजेज मेडिकल कॉजेज में हम लेते हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कई बारी लिवर के कुछ कॉजेज होते हैं जिसको कि हम इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं. ऐसी कंडीशन में भी हमें बच्चे को जल्दी पैदा करना पड़ जाता है. इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कुछ कॉजेज ऐसे हैं जबकि बच्चा खुद जल्दी हो जाता है, कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है ताकि हम बच्चे को नुकसान से बचा सकें जो कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर हो सकता है. अब इसमें जिसमें कि बच्चा खुद जल्दी पैदा हो जाता है ऐसे कॉजेज हैं कि इन्फेक्शंस, जैसे कि मदर के वजाइनल इन्फेक्शंस. कई बार हमारे पास लेडीज़ आती हैं जिनको कि रेगुलर वजाइनल इन्फेक्शन है. कई बार लेडीज़ को पता ही नहीं होता है कि उनको इन्फेक्शंस हैं. यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं. कई बार कुछ सर्जिकल कॉजेज होते हैं कि कई बार बच्चेदानी बनी ही अच्छे से नहीं है, जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस. इसमें और कई बार कुछ कॉजेज ऐसे हैं जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो वीक है. ऐसे केसेस में भी बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है. ये हमारे सर्जिकल कॉजेज हो गए. कुछ मैंने आपको मेडिकल कॉजेज बता दिए. कुछ कॉजेज जैसे कि मदर का बहुत कम वेट या बहुत ही ओबीज मदर, इनमें भी बच्चा हमारे को या कुछ मदर की एज का भी इफेक्ट होता है. बहुत ज़्यादा एज या कि बहुत ही यंग एज, जैसे कि 19, 18, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए और इसीलिए हम अवॉइड करते हैं अर्ली मैरिजेस. एंड नाउ वी कम ऑन कि हमने बच्चे को जब एक मदर हमारे पास प्रेजेंट करती है, मदर हमारे पास प्री टर्म में आ सकती है इन केस ऑफ कि उसको पेन्स आ रही हैं या इन केस ऑफ कि उसको कोई ब्लीडिंग हुई है या इन केस ऑफ कि उसको कुछ लीकिंग हो रही है. अब लीकिंग भी दो तरह से प्रेजेंट कर सकती है, जैसे कि कई बार थोड़ी थोड़ी लीकिंग जो है चलती जा रही है. इन दिस केस कई बार मदर को पता नहीं चलता है कि उसे लीकिंग हो रही है, यानी कि उसका वाटर बैग रप्चर हो चुका है, जिसको कि हम लोकल वर्ड्स में अगर समझाएं तो. अब इस लीकिंग के केस में कई बार बच्चे को इन्फेक्शन भी हो जाती है. कुछ कई बार इस लीकिंग के केस में हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग भी कर लेते हैं. अब जब एक मदर को पेन्स शुरू होती हैं तो हमारा सबसे मेन मकसद होता है कि हमने बच्चे को कुछ इतना टाइम देना है कि बच्चे के लंग्स हम मैच्योर कर दें और उसको जो हमारे को जो न्यूरो डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं उसको हम बचा सकें. उसके लिए हमें दो चीज़ें देनी होती हैं. एक तो हम बच्चे को स्टीरॉयड्स देते हैं. जब हम पेशेंट को स्टीरॉयड देने के लिए बोलते हैं तो पेशेंट डर जाता है, खास करके कि जब पेशेंट को पेन्स लगी हुई हैं या पेशेंट को पेन्स नहीं लगी हुई तो पेशेंट ज़्यादा डरता है कि मुझे क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं. जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास इचिंग से आता है, इन दैट केस हमारे को ऐसा लगता है कि कई बार शायद हमें जल्दी डिलीवरी करनी पड़े. ये जो इचिंग होते हैं इसको हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी. इस केस में, इन सब केसेस में हमारे को ये होता है कि बच्चे के लंग्स और ब्रेन डेवलप हो जाए. तो जब आपको डॉक्टर स्टीरॉयड लगाने को बोले तो प्लीज़ आप डरिए मत और अपना कोर्स पूरा कीजिए.
जिसमें कि जनरली हम दो डोजेज़ या तीन डोजेज देते हैं, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स रहते हैं। डेक्सामेथाजोन या बीटामेथाजोन हम देते हैं पेशेंट को, और ये लंग मेच्योरिटी के लिए होता है। और इनफैक्ट इट इज़ नॉट ओनली फॉर लंग मेच्योरिटी, ऑर्गन मेच्योरिटी के लिए भी होता है, जिसमें बच्चे के ऑर्गन्स जो हैं, कुछ ऑर्गन्स जो कि टाइम कम होने के कारण मेच्योर नहीं हुए थे, वो मेच्योर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपना डॉक्टर कहे तो उसको लगवाएं। और कुछ हो हम न्यूरो डेवलपमेंटल के लिए देते हैं, उसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। वो जब हम जनरली मरीज को दाखिल करने के बाद देते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माइंड पे असर ना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि अपना स्टीरॉयड का इंजेक्शन डॉक्टर के एडवाइस पे है तो ज़रूर लगवाएं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हम न्यूरो डेवलपमेंट के लिए देते हैं। और कुछ चीज़ें जो हम बचाना चाहते हैं वो ये है कि जब मदर को इन्फेक्शंस या पुरानी हिस्ट्री है इन्फेक्शंस की इन प्रेगनेंसी, तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। या डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं ताकि हमारा जो है डिलीवर जल्दी ना हो। एंड अगर बच्चा जनरली हम जो करना चाहते हैं कि अगर जल्दी होता है तो हम उसको ऐसे सेंटर में डिलीवर करें जहाँ पे कि हमारे पास NICU की सुविधा हो, ताकि अगर हमारा बच्चा आता है तो एक सेफ हाथों में आए, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के हाथों में आए, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के हाथों में आए, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बच्चे के लंग्स, बच्चे का माइंड, बच्चे के ऑर्गन्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है डिलीवरी के बाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे को डिलीवर होने के बाद जब बच्चा आप पाल रही हैं तो उसको आप ट्राई टू कीप द बेबी ऑन ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे बहुत अच्छा करते देखे गए हैं, बहुत अच्छा वजन गेन करते हैं जो कि टाइम से पहले पैदा हुए हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, एंड दिस इज़ ऑल दैट दिस थिंग, एंड थैंक यू।